इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि जो नेता पहले भगवान राम, कृष्ण और शंकर को सांप्रदायिक समझते थे, वो ही अब दंडवत होकर उनके प्रति भक्ति दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष के नेताओं में ऐसे बदलाव को बीजेपी की विचारधारा की जीत बताया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियों की सरकारों ने कुंभ के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने पर वो टोपी पहनकर मुबारकबाद कैसे देंगे, लेकिन अब उन्हीं नेताओं की टोपियां उतर गई हैं। पहले राम, कृष्ण, शंकर, ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी, और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है, तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं, साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। चेंज, ये विचारधारा की जीत, और मुझे लगता है हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम कहते थे, आज वो कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति लगा है लाइन पे, होड़ लगी है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ प्रयागराज 10,000 वर्षों से अधिक का लिखित इतिहास जिसका है, दुनिया का पहला गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने जिस प्रयागराज में स्थापित किया था, आखिर बहुत सारे लोगों को अवसर मिला था कुंभ का आयोजन करने का, प्रदेश में सत्ता में रहने का। कुछ लोगों को दशकों तक मिला, कुछ लोगों को कई बार मिला, बार बार मौका मिला, वे भी कर सकते थे, लेकिन सोच नहीं थी, क्योंकि कुंभ का मतलब उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज टोपियां उतर गई हैं सबकी, सब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान में तालिबान की तारीफ करने वालों पर भी बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि अफगानिस्तान तालिबान महिलाओं और बच्चों से क्रूरता कर रहा है और यहां कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबानीकरण की मंशा रखने वालों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।